जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे जीके क्वेश्चन आंसर। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का पार्ट टू है। पार्ट वन हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, यानी संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में, ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान बताए गए हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ रामायण में, महाभारत में, यजुर्वेद में या फिर ऋग्वेद में। भारत में सबसे पहले किसका उल्लेख हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख हुआ था। परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु संलयन पर, रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु विखंडन या फिर कृत्रिम रेडियो एक्टिविता। परमाणु बम की अगर साथियों बात करें तो परमाणु बम साथियों किस पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु विखंडन पर। आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। अगला पॉइंट है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है, यानी दूसरे नंबर पर आती है सेना तो साथियों भाई किस देश की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश की। अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बात करें वर्तमान समय में यानी 2022 की अगर बात करें, 2022 के अनुसार भारत में पनडुब्बियों की जो संख्या थी वह कितनी है? 16 पनडुब्बियां थी भारत के पास 2022 में। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में इंटरनेशनल न्यूज सर्विस स्थित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत से की जाती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको पहली बार कब गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1861 में, ठीक है, 1861 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम संख्या की बात करें तो न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। आगे बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा खेतड़ी ने इनको विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसको बनाया गया था साथियों 1945 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान नेतर संस्था है? कौन सा एक संविधान नेतर संस्था है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में मनाया जाता है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था?
फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। राइट आंसर है जैसलमेर को साथियों, ठीक है, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? आपसे पूछा गया है कि किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव और विष्णु। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? श्रीनगर रेल मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा। आप सभी लोग इन प्रश्नों को स्टार बना करके नोट करिएगा, ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? प्रत्येक नागरिक को वहाँ पर 2 या 3 साल तक की आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसराइल के। वहाँ पर एक कानून है, हर नागरिक को 2 या 3 साल की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। किस देश के राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? सही आंसर है रूस, ठीक है, रूस की जो राजधानी है इसको चूहों का शहर कहा जाता है। जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? सही आंसर है वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। किस देश ने 6 दिनों में 6 देशों को हराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसराइल ने, ठीक है, इसराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को हराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग एक बार इनको नोट करके चलिएगा। अगला पॉइंट है, डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान का, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय जनजातियों को सामाजिक समस्या क्या है? भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? राइट आंसर है इनमें सभी, यानी धर्म परिवर्तन, युवा ग्रहों का पतन, बाल विवाह और कन्या मूल्य। भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसको रूस देश से खरीदा गया है। एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिय जी। क्या होगा? प्रिय जी। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंटा में अगर बात करें, जो गुफाएं हैं एलिफेंटा की, इनमें किसकी मूर्तियां हैं? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शिव की यहां पर मूर्तियां हैं। स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड मैकमिलन, ठीक है, हेरोल्ड मैकमिलन। साथियों, स्वतंत्र भारत के जो यात्री थे, इन्होंने यात्रा की थी स्वतंत्र भारत पर। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। झंडा गीत किसने लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्ता ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नेल बास ने, ठीक है। अगला ऑप्शन है, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म को। हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म का पालन। अगला ऑप्शन है,
भारत में किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नायर। अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में भारत किस देश से अधिक हथियार खरीदता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस से। भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मई 1973 को। भारत भारती के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, उत्तर कोरिया। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ग्रांट। शिक्षा का औपचारिक संसाधन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला पॉइंट है, नगरीकरण किस कारण का देन है? नगरीकरण किस कारण का देन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक। परिवार का जैविक कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन रक्षा। मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद। अगला पॉइंट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नुडविजिक, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, नुडविजिक। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।